सो 80 टच कर चुका है बाइक, लेकिन थोड़ा दिक्कत है एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। रिफाइनमेंट गाइस इंक्रीज हो चुका है OBD2 फेस टू लिफ्ट वाला मॉडल पे। 3 के बगल में एक एरो जो है ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब अभी गाइस 40 के प्लस स्पीड है। सो ब्रेक टेस्ट करते हैं, 70 क्रॉस करते हो ना उस टाइम पे थोड़ा सा आप लोगों को फुट पेक्स पे वाइब्रेशन फील आएगा एंड थोड़ा गाइस पावर ड्रॉप आ रहा है, मतलब पावर में लैग आ रहा है दिया। इतना माइलेज गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी मोटर ब्लॉग्स। सो गाइस आप लोग कैसे हो, होप करते हो सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया रहे ना मेरे तरह। सो गाइस देख पा रहे हो मेरे सामने खड़ी हुई है न्यू बजाज प्लैटिना 110 ABS मॉडल। ऑलरेडी मैंने गाइस इस बाइक के ऊपर एक डिटेल्स पे राइड रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो पे आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कॉमेंट आ रहा था कि आप लोग न्यू BS6 OBD2 फेस 2 वाला इंजन पे एक माइलेज टेस्ट वीडियो देखना चाहते हो। सो फाइनली गाइस आप लोगों के लिए मैं लेके हाजिर हूँ न्यू बजाज प्लैटिना के ऊपर एक माइलेज टेस्ट वीडियो। जैसे गाइस आप लोग यूट्यूब पे माइलेज टेस्ट वीडियो देखते हो वैसा सेम टू सेम नहीं होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा इस बाइक को हर एक कंडीशन पर टेस्ट करने का, विथ पिलियन हेवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे टेस्ट करने वाले, फिर जाके गाइस आप लोगों को दिखाऊंगा न्यू बजाज प्लैटिना 110 कितना क्या माइलेज आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। एंड अगर गाइस आप लोग मेरे चैनल पे नए हो चैनल को गाइस अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। तो पहले इस बाइक पे कुछ बदलाव जो आप लोग प्रोवाइड कर रहा है न्यू मॉडल पे वो डिटेल्स थोड़ा शेयर कर देता हूँ, फिर गाइस माइलेज टेस्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो पहले गाइस आप लोग सिनेमैटिक शॉट देख लो, देन आप लोग से मैं डायरेक्ट मिलता हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। बजाज प्लैटिना 110 ABS का कुछ बदलाव मैं बताऊंगा, लेकिन पहले गाइस आप लोगों को थोड़ा डिजाइन एंड लुक्स को चेक करवा देता हूं। सो फ्रंट के साइड पे जैसे कि देख पा रहे हो डुअल टोन कलर्स थीम है, टिंटेड वाइजर के साथ रेड एंड सिल्वर एंड ब्लैक कलर का ग्राफिक्स। एंड अगर आप लोग इग्निशन करते हैं ऑन, देन फ्रंट के साइड पे गाइस LED DRL प्रोवाइड करता है विथ हेलोजन हेडलाइट बल्ब सेटअप। DC कनेक्शन है, आप लोग हेडलाइट को ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो एंड इग्निशन ऑन करते गए इस बाइक का जो हेडलाइट है ना वो ऑन हो जाता है। इंडिकेटर जो है वो गाइस सब लोगों को बल्ब देखने को मिलता है जो, लेकिन डिज़ाइन जो है ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी मिल जाएगा। सो फ्रंट के साइड पे गाइस आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर कॉम्फर्ट एक का एक बैजिंग वगैरह मिल जाएगा। 135 mm का गाइस ट्रैवल है एंड सिर्फ 110 cc के अंदर बजाज कंपनी जो है प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को सिंगल चैनल ABS। एंड फ्रंट के साइड पे 240 mm का गाइस डिस्क मिलता है एंड लेफ्ट साइड पे गाइस आप लोगों को ABS का सेंसर देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी टाइम पे आप लोग हाई स्पीड पे पैनिक ब्रेकिंग करोगे उस टाइम पे गाइस उतना ज़्यादा आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे गाइस आप लोगों को सेंसर है, उसके वजह से टायर स्किट नहीं होगा। ट्यूबलेस टायर है, 80/100 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर, ऐसा कुछ टायर प्रोफाइल है। एंड अलॉय के ऊपर गाइस आप लोगों को गोल्डन कलर का ग्राफिक्स मिल जाएगा एंड जो अलॉय का डिज़ाइन है वो भी गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड नेक्स्ट अगर अपडेट की बात करूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो टैंक के ऊपर अभी गाइस आप लोगों को मिल रहा है E20 का ब्रांडिंग, मतलब 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी न्यू बजाज प्लैटिना 110 को आप लोग राइड कर पाओगे, मतलब फ्लेक्स फ्यूल जो ये मॉडल सपोर्ट करता है एंड नॉर्मल पेट्रोल से भी गाइस आप लोग राइड कर पाओगे, उसमें गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट अगर बदलाव की बात करूँ, जैसे देख पा रहे हो इंजन के ऊपर गाइस अभी आप लोगों को DTSI का लोगो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके लिए राइट साइड पर गाइस स्पार्क प्लग देखने को नहीं मिलता है, सिंगल स्पार्क प्लग के साथ है। BS6 कॉम्प्लाइंट OBD2 एंड फेस 2 का अपडेट के साथ एयर कूल 115.45 cc का इंजन है एंड पावर प्रोड्यूस करते 8.48 bhp एट द रेट 7000 rpm एंड टॉर्क प्रोड्यूस करते 9.81 Nm एट द रेट 5000 rpm। इधर पर गाइस आप लोगों को किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, और किसी भी टाइम में बैटरी डेड हो जाए ना उस टाइम पर राइडर को गाइस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये किक स्टार्ट। 5 gear ट्रांसमिशन है, टॉप स्पीड कंपनी क्लेम कर रहा है अप्रॉक्स 90 तक। एंड ये मॉडल जो है ना गाइस FI के साथ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर अभी भी गाइस आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके वजह से इधर पे आप लोगों को फ्यूल टैंक को ऑन ऑफ करने का एक टी देखने को मिल जाएगा। एंड नया गाइस सक्शन पाइप वगैरह आप लोग इधर पे देख पा रहे हो, क्योंकि इस पर इंजन पे थोड़ा बहुत बदलाव आया है। O2 का सेंसर गाइस इधर पे है, कैथलेटिक कन्वर्टर नीचे के साइड पे मिल जाएगा। एंड जो फ्यूल टैंक का ग्राफिक्स है ना वो भी गाइस आप लोग नोट कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। प्लैटिना का जो
स्टिकरिंग है वो गाइस गोल्डन कलर टच के साथ है, ब्लैक सिल्वर का ग्राफिक्स के साथ। तो साइड पैनल है उधर पे भी गाइस आप लोगों को ग्राफिक्स वगैरह मिल जाएगा। एंड रियर पे गाइस 110 ABS एंटी ब्रेकिंग लॉक का एक स्टिकरिंग मिलता है। एंड इस मॉडल का सीट हाइट है 807 mm। एंड सीट के ऊपर गाइस आप लोग देख पा रहे हो कम्फर्ट एक बैजिंग मिलता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट है। कुशनिंग गाइस बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा कुछ गाइस कंपनी फिट आप लोगों को सीट कवर प्रोवाइड कर रहा है। एंड रियर पे जो सस्पेंशन है ना वो भी गाइस SOSC विथ नाइट्रॉक्स कैमसिस्टर के साथ 110 mm का ट्रैवल वगैरह मिल जाएगा। एंड रियर पे गाइस आप लोगों को 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है विथ RLP सेंसर, मतलब रियर लिफ्ट व्हील प्रोटेक्शन। फ्रंट पे ABS मिलता है, रियर पे गाइस RLP सेंसर का प्लेट मिल जाएगा। रियर जो अलॉय व्हील है वो भी गाइस सेम टू सेम डिज़ाइन के साथ है। सो इधर पे 80/100 की ट्यूबलेस टायर मिलता है। टायर प्रोफाइल गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा मिलता है, उतना ज़्यादा फैट नहीं है, पतला सा टायर है। सो इससे फायदा ही गाइस आप लोगों को माइलेज बढ़िया मिलेगा। रियर जो लुक है ऑलमोस्ट सेम है, सिंगल ग्रैबल के साथ मिलता है। तो चलिए बात करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। लेफ्ट साइड पे गाइस आप लोगों को एनालॉग पे स्प्लिट व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन के साथ लाइट मिलता है। एंड राइट साइड पे गियर पोजिशन इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल गेज, ओडोमीटर एंड इधर पे छोटे से बटन मिलता है जिससे गाइस आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाओगे। सो ट्रिप ए एंड ओडोमीटर ही मिलता है। एंड अगर वार्निंग्स की बात करूँ ऊपर के साइड पे इंडिकेटर, न्यूट्रल, अपर डिपर, देन इंजन चेकलाइट का वार्निंग मिलता है, देन ABS का लोगो क्योंकि इसमें सिंगल चैनल ABS प्रोवाइड करता है। एंड और एक चीज़ इस मॉडल पे ना आप लोगों को फ्यूल पंप जो उसको चेंज कर दिया है, ECU वगैरह अपडेट हुआ है क्योंकि अभी ये बाइक जो 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी आप लोग राइड कर पाओगे इसके लिए। सो चलो ये बात करते हैं इस बाइक का मेन पार्ट मतलब प्राइसिंग के बारे में। अगर आप लोग इस बाइक को इन कोलकाता बाई करना चाहते हो टॉप मॉडल विथ ABS वाला मॉडल का ऑन रोड प्राइस है 98,010 rupees। सो चलो यही था कुछ बदलाव के बारे में बात। सो अभी आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलता हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे एंड माइलेज वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस जैसे कि देख पा रहे इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे 5 किलोमीटर चल चुका है, मतलब बाइक में जितना पेट्रोल था वो मैंने पहले गाइस राइड करके एकदम ही खत्म कर दिया हूँ। जैसे गाइस आप लोग दिखा दे रहा हूँ बाइक में गाइस एकदम ही पेट्रोल नहीं है। अभी हम लोग करने वाले इस पर फ्यूल अप, देन गाइस आप लोग को दिखाता हूँ कितना क्या माइलेज ये बाइक प्रोवाइड करता है। एंड इधर पे मेरे पास है गाइस 100 ml पेट्रोल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। अभी हम लोग करने वाले इस पर फ्यूल अप। सो गाइस हम लोग कर लिए इधर पे 100 ml पेट्रोल फ्यूल अप। सो हम लोगों ने इधर पे कर लिया 100 ml पेट्रोल फ्यूल अप। अभी देखते हैं बाइक जो है वो स्टार्ट होता है या नहीं। सो किल्स बाइक को थोड़ा ऑन ऑफ कर लेते हैं क्योंकि कार्बोरेटर में पेट्रोल जाना ज़रूरी है। सो चलो देखते हैं बाइक स्टार्ट होता है या नहीं। यस सो फाइनली गाइस बाइक जो स्टार्ट हो चुका है। सो चलो राइट करके देखते हैं। एंड मेरा माइलेज टेस्ट पे गाइस डिफरेंट यही होने वाला है क्योंकि मैं गाइस टेस्ट करने वाला हूँ इस बाइक को विथ पिलियन, मतलब हेवी ट्रैफिक वाले कंडीशन पर राइड करने वाला हूँ, हेवी ट्रैफिक वाले कंडीशन में राइड करने वाला हूँ विथ पिलियन। सो पीछे जो है वो भैया बैठेगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। सो पीछे बंदा गाइस बैठ चुका है। सो ओडोमीटर जो इधर पे 5 किलोमीटर है एंड ट्रिप वन जो है इसको हम लोग कर रहे हैं 0। सो इधर पे ट्रिप वन को हम लोगों ने इधर पे कर लिया 0 एंड ओडोमीटर देख लो 5 किलोमीटर चला है। सो चलो गाइस साइड करके देखते हैं एंड देखते कितना क्या किलोमीटर ये बाइक माइलेज प्रोवाइड करता है। सो ऐसा नहीं होगा कि गाइस आप लोग एक बाइक को बाई करते हो सिर्फ गाइस खाली सा रोड पे राइड करोगे, ऐसा नहीं होता है ना। सो इसके लिए मैं गाइस इस बाइक को हर एक कंडीशन पर टेस्ट करने के बाद दिखाऊंगा कि कितना क्या माइलेज ये बाइक प्रोवाइड कर सकता है। सो इसके लिए पहले मैं आया हूँ गलियों के अंदर। पहले गाइस कुछ किलोमीटर गलियों के अंदर राइड कर लेते हैं, फिर चलेंगे गाइस रोड पर, थोड़ा सा हाई स्पीड पर भी राइड करेंगे। एंड देख पा रहे हो एकदम ही टूटे फूटे रोड है। सो इधर पर ज़्यादा स्पीड अप करके मैं राइड नहीं कर पाऊँगा। एंड अगर सस्पेंशन की बात करूँ बहुत ही ज़्यादा गाइस कंफर्टेबल है एंड सीट भी गाइस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, एकदम ही गाइस जाग वगैरह मुझे फील नहीं आ रहा है क्योंकि इजीली गाइस छोटे मोटे जो गड्ढे हैं वो एब्जॉर्ब करता है इसके लिए। सो कुछ किलोमीटर गाइस गलियों के अंदर राइड कर लेते हैं क्योंकि मैं कोशिश करूँगा इस बाइक को हर एक कंडीशन पर टेस्ट करके फिर गाइस आप लोगों को दिखाऊँ कि कितना क्या माइलेज ये बाइक प्रोवाइड करेगा आप लोगों को न्यू मॉडल। एंड एकदम ही ख़राब रोड है जैसे लोग देख पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। सस्पेंशन भी वो बढ़िया है, उसके साथ साथ गाइस इसका जो सीट है वो भी गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग के साथ आता है। इसके वजह से आप लोग अगर लॉन्ग टर्म पे राइड करोगे ख़राब सी रोड पे कुछ भी गाइस दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप लोग जोमेटो स्विगी वगैरह करना चाहते हो इस बाइक को लेके आराम से गाइस कर पाओगे। एंड वो बंदे के लिए माइलेज गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो कितना क्या माइलेज देगा वो भी गाइस आप लोगों को आज का इस वीडियो में पता चल जाएगा। एंड
एबीएस ऑन जैसे देख पा रहे हो इंश्योरेंस काउंसिल पे दिखा रहा है। एंड गाइस इधर पे करते हैं रेडियस टेस्ट, जैसे देख पा रहे हो ऐसा कुछ आप लोगों को हैंडलिंग मिलता है, जो स्प्लेंडर है ना उस पर गाइस पूरा हैंडल मोड़ने से पैर पे हैंडल जो टच हो जाता है, लेकिन इस बाइक पे मुझे वो सारा दिक्कत जो है फेस करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गाइस हैंडल जो है ना थोड़ा अपसाइड है, इसके वजह से आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा अगर आप लोग ज़्यादा हाइट वाले बंदे हो, जैसे कि मेरा हाइट है गाइस 5.10 या 11 पकड़ के चलो। एंड इस बाइक को मैं ईजिली गाइस राइड कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि गाइस देख पा रहे हो जैसे कि टैंक जो है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसके वजह से मेरा पैर टैंक के ऊपर आ जा रहा है। एंड बहुत ही छोटा सा क्यूट सा आप लोगों को फ्यूल टैंक प्रोवाइड करता है। सो और एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मेरे मालिशेज वीडियो पे आता है, वो है गाइस क्यों मैं 100 ml पेट्रोल पे मालिशेज करता हूँ। देखो 100 ml पेट्रोल पे जो माइलेज आएगा 1 liter पेट्रोल पे गाइस वो ही सेम टू सेम माइलेज आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। सो आप लोगों के लिए भी गाइस कैलकुलेट करना आसानी हो जाता है, एंड मेरे लिए भी गाइस कैलकुलेट करना आसानी हो जाता है, इसके वजह से मैं 100 ml पेट्रोल पे माइलेज टेस्ट करता हूँ। इस बाइक का गाइस क्लच पहले वाला मॉडल से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एंड रिफाइनमेंट वगैरह भी इंक्रीज हो चुका है। एंड बहुत देर से गाइस गलियों के अंदर राइड हो गया, अभी चलते हैं थोड़ा रोड पे भगाएंगे बाइक को, क्योंकि इकोनॉमी जोन एंड स्लो स्पीड पे राइड बहुत देर से हो चुका है, अभी थोड़ा हाई स्पीड पे भगाएंगे। एंड इस मॉडल पे FI नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आप लोगों को मिलता है। सो देखते हैं कितना क्या माइलेज प्रोवाइड कर सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, अभी गाइस वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कितना का माइलेज ये बाइक प्रोवाइड कर सकता है। सो चलो अभी आए हैं रोड पे, थोड़ा बाइक को खींच के राइड करते हैं। इजीली गाइस क्रॉस करता है इजीली, एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, रिफाइनमेंट गाइस इंक्रीज हो चुका है OBD2 फेस टू लिफ्ट वाला मॉडल पे। एंड गियर शिफ्टिंग की अगर बात करूँ एकदम ही गाइस चार्ज वगैरह नहीं ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली गियर शिफ्ट हो रहा है। एंड इस मॉडल पे ना कब आप लोग गियर शिफ्ट करना पड़ेगा उसका भी वार्निंग वगैरह प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे। 3 के बगल में एक एरो जो है ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब बाइक आपको गियर शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है। सो ये टेक्नोलॉजी आप लोगों को मिलता है 110cc के अंदर। एंड दूसरा जो है गाइस ABS अभी हम लोग करने वाले इस पर ब्रेक टेस्ट, क्योंकि 110cc के अंदर सिर्फ यही एक मशीन है जिस पे गाइस आप लोगों को ABS प्रोवाइड करता है विथ RLP सेंसर। एंड ब्रेकिंग कैसा है वो भी गाइस टेस्ट करना ज़रूरी है। रियर पे ड्रम मिलता है एंड फ्रंट के साइड पे डिस्क, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। सो अभी गाइस 40 के प्लस स्पीड है, सो ब्रेक टेस्ट करते हैं। यस, फ्रंट ब्रेक का बाइट गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, रियर भी अच्छा, लेकिन रियर पे ड्रम है ना सो थोड़ा सा लैग आप लोगों को मिलेगा, लेकिन फ्रंट ब्रेक इस बाइक का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आप लोग गाइस कॉन्फिडेंटली राइड कर सकते हो हाई स्पीड पर भी, अगर कुछ भी दिक्कत है आप लोग पैनिक ब्रेकिंग कर पाओगे उस टाइम पे गाइस कुछ भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को ब्रेकिंग बाइक प्रोवाइड करता है। एंड एकदम भी गाइस टायर स्किड होने के चांसेस भी नहीं है, अभी देख पा रहे 60 के ऊपर स्पीड है, और एक बार ब्रेक टेस्ट करते हैं। यस, नाइस, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड और एक चीज़, क्लच छोड़ते ही ना गाइस आप लोगों को पावर का फील एकदम ही, पावर पे ड्रॉप लैग वगैरह आप लोगों को फील नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा लैग है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, जैसे आप लोगों को FI बाइक्स में देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स वैसा नहीं है, 1-2 सेकंड का गाइस आप लोगों को लैग मिलेगा। अभी मैं गाइस 4th गियर से एकदम न्यूट्रल पे आया हूँ, एकदम भी गाइस गियर पे झटका वगैरह नहीं लिया, हार्डनेस मुझे फील नहीं आया। एंड मैं भी सिग्नल पे रुका हुआ था, लेकिन बाइक को स्टार्ट ही छोड़ दिया था, स्टार्ट ऑफ नहीं किया। सो देख पा रहे अभी मैं ट्रैफिक वाले कंडीशन पर राइड कर रहा हूँ, एंड क्या ही स्मूथ हो चुका है बाइक। सो थोड़ा सा बाइक को खींचते हैं, बहुत देर से 40-50 स्पीड पर राइड कर लिया, अभी देख पा रहे हो 60 प्लस 70 प्लस, सो 80 टच कर चुका है बाइक। एंड बाइक जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, मतलब 80s पे राइड कर रहा हूँ फिर भी गाइस रोड को अच्छी तरीके से पकड़ के फिर भाग रहा है, ये चीज़ मुझे पर्सनली बढ़िया लगा। ऐसा कुछ गाइस आप लोगों को हॉर्न मिलता है, अगर आप लोग डेली कम्यूट करना चाहते हो इजीली गाइस कर पाओगे, उसमें गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हैंडलिंग लाइट मिलता है। सो आप लोग इजीली गाइस ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे फिल्टर वगैरह कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड अगर सिटिंग पोस्चर की बात करूँ एकदम ही गाइस अपराइट सिटिंग पोस्चर आप लोग प्रोवाइड करता है, फुट पेक्स एकदम सामने की तरफ है, एंड हैंडल जो है ना थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसके वजह से आप लोगों को एकदम भी झुक के बैठने की ज़रूरत नहीं है। एंड पावर भी अच्छा खासा है 110cc के हिसाब से, थ्रॉटल खोलते ही गाइस आप लोगों को पावर का फील मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है पावर को, स्पीड अप होने के टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि
ज्यादा सीसी का बाइक नहीं है, लेकिन 60 से लेकर 70 का इस आराम से चला जाता है, आराम से एकदम ही वाइब्रेशन, पावर ड्रॉप, पावर लैग वगैरह आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर 70 क्रॉस करते हो ना उस टाइम पे थोड़ा सा आप लोगों को फुट पेक्स पे वाइब्रेशन फील आएगा। स्विच क्वालिटी नॉर्मल सी है एंड अभी मैं फिर से आ चुका हूँ सिग्नल पे, सो फिर भी गाइस बाइक को स्टार्ट ऑफ नहीं करेंगे, स्टार्ट छोड़ देंगे बाइक को। एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह आप लोगों को शो करता है, क्लॉक वगैरह मिल जाएगा। एंड ये जो रेड कलर है ये गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को पर्सनली कैसा लग रहा है। सो इधर पे और एक बार खींचते हैं बाइक को, देख रहे हो एग्जॉस्ट नोट 60 to 70 गाइस आराम से, एकदम ही गाइस पता ही नहीं चल रहा है कब बाइक 70 टच कर जाता है, इतना ज्यादा बढ़िया स्मूथली गाइस पावर पकड़ रहा है ये बाइक। सो हैंडल रेडियस की अगर बात करूँ कुछ भी गाइस दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से गाइस छोटे से जगह से इजीली टर्न कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया टर्निंग रेडियस है। एंड राइट करिए गाइस मज़ा आ रहा है, इतना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है ना बाइक पहले वाला मॉडल से, एंड मजा आ रहा है राइड करके, क्योंकि ब्रेकिंग पर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड रोड को अच्छी तरीके से पकड़ कर फिर भाग रहा है ना, इसके वजह से गाइस और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इस बाइक को राइड करके। एंड अगर आप लोग विथ पिलियन राइड करोगे फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सीट कुशनिंग बढ़िया है, लेंथ वाइज बढ़िया है, एंड सीट के ऊपर गाइस आप लोग कम्फर्ट एक बैजिंग भी देखने को मिलता है, एंड बहुत ही बढ़िया कम्फर्टेबल राइड आप लोगों को प्रोवाइड करेगा न्यू बजाज प्लैटिना 110 ABS। एंड 50 प्लस जब जाओगे ना उस टाइम पे बढ़िया एग्जॉस्ट नोट प्रोवाइड करता है, इंजन का साउंड जो है वो भी गाइस चेंज हो रहा है, थोड़ा एग्रेसिव हो जा रहा है उस टाइम पे। सो कंपनी तो क्लेम कर रहा है 65 प्लस ये बाइक माइलेज देगा, सो चलो पता चली जाएगा आज हम लोगों को कि कितना क्या माइलेज बाइक जो है प्रोवाइड कर सकता है। सो फाइनली गाइस 5 किलोमीटर चल चुका है बाइक, मतलब 50 का माइलेज तो गाइस आप लोगों को आराम से मिल ही जाएगा इस बाइक से। एंड फिर से मैं देख पा रहा हूँ हैवी ट्रैफिक बड़ी कंडीशन पर राइड कर रहा हूँ, सो इसके वजह से उतना ज़्यादा मैं स्पीड अप करके राइड नहीं कर पाऊँगा, अभी 40 के आसपास में राइड कर रहा हूँ, मतलब इकोनॉमिक जोन ही आप लोग पकड़ के चलो। एंड इतना ज़्यादा ट्रैफिक है फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइट हैंडलिंग है, आप लोग इजीली गाइस इस बाइक को लेकर फिल्टर वगैरह कर पाओगे। एंड सीट का लेंथ भी बढ़िया है, इसके वजह से अगर आप लोग बड़ा सा बैग वगैरह कैरी करोगे फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। सो 5.9 मतलब 60 किलोमीटर गाइस फाइनली बाइक जो चल चुका है 5.9 60 किलोमीटर, मतलब 60 का माइलेज तो गाइस आप लोगों को आराम से दे ही देगा। सो अभी देखते हैं और कितना किलोमीटर चलता है, मैं अभी हैवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे थोड़ा सा स्लो ही राइड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर से गाइस हाई स्पीड पर राइड हो चुका है एंड विथ पिलियन टेस्ट कर रहा हूँ ना इसके वजह से। सो देखते हैं और कितना किलोमीटर चल पाएगा ये बाइक। एंड थोड़ा गाइस पावर ड्रॉप आ रहा है, मतलब पावर में लैग आ रहा है, चल चल और चल कितना किलोमीटर चलता है देखता हूँ गाइस। पावर ड्रॉप हो रहा है, बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा बाइक बंद हो जाएगा, नहीं 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 थोड़ा छोड़ रहा है, यस पावर ड्रॉप हो रहा है, यस ये देखो थोड़ा छोड़ दिया ये देखो बाइक को साइड पे लगा लेते हैं, ये देखो गाइस। सो फाइनली गाइस बाइक जो बंद हो चुका है एंड मैं पहले गाइस आप लोगों को ओडोमीटर दिखाना चाहता हूँ, ओडोमीटर जो है 12 किलोमीटर चला है एंड ट्रिप वन जो है 6.6 मतलब 66 का माइलेज दिया, इतना माइलेज गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना बढ़िया गाइस आप लोगों को माइलेज प्रोवाइड करता है। फिर भी गाइस ये जो बाइक है अभी तक फास्ट सर्विस वगैरह नहीं हुआ है, मैं अभी हैवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे विथ पिलियन राइड कर रहा था एंड स्पीड अप करके भी राइड किया, मतलब थोड़ा सा हाई स्पीड पे ज़्यादा राइड किया, गलियों के अंदर भी टेस्ट किया, फिर जाके गाइस इतना माइलेज आप लोग प्रोवाइड करा है एंड अभी तक फर्स्ट सर्विस वगैरह हुआ नहीं है, सो इसके वजह से गाइस व्हील्स ब्रेक्स वगैरह जाम रहता है हर एक मशीन का। सो फर्स्ट सर्विस के बाद हो सकता है कि आप लोग गाइस और भी ज़्यादा माइलेज ये बाइक प्रोवाइड कर सकता है
एंड अगर आप लोग इकोनॉमिक जोन पे राइड करोगे फिर तो गाइस आप लोगों को बढ़िया माइलेज मिल जाएगा। सो यही था गाइस आज का माइलेज टेस्ट का वीडियो। अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेरी है जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो चलो गाइस अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।